ट्वेल्थ बायोलॉजी के मात्र इन 60 टॉपिक्स को पढ़ लो, आपको बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो ट्वेल्थ में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं, पूरे बायोलॉजी के 60 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बताऊंगा। अगर आप इन 60 टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो और किसी टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप 70 में 70 नंबर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स के टॉपिक, केमिस्ट्री के टॉपिक, हिंदी इंग्लिश, इन सभी के टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो वही मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आपने उन सब सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पूरे बायोलॉजी में 60 ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनको हमें पढ़ लेना है। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर वाइज, सभी को आपको नोट कर लेना है और इनको अगर आप पढ़कर जाएंगे तो 70 में 70 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनना है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है, पूरे चैप्टर के हम देखेंगे, सबसे पहले चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो हमारा है, रिप्रोडक्शन इन जो पुष्पी पादप होते हैं, ठीक है, फर्स्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपरिपक्व परागकोष की संरचना, यानी कि जो अपरिपक्व परागकोष होता है उसका चित्र हम कैसे बनाएं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक आएगा तो मैं इन सभी टॉपिक पर वीडियो भी बनाऊंगा पार्ट वाइज। ठीक है, सेकंड टॉपिक देखिए परिपक्व परागकोष की संरचना, यानी कि जो परिपक्व परागकोष होता है उसका चित्र कैसा होता है। ठीक है, तो ये सब आपको बनाना है क्योंकि बायोलॉजी में संरचनाएं भी पूछी जाती हैं, आपसे चित्र बनाने को भी कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए आवृतबीजी बीजांड का चित्र। ठीक है, यानी कि जो ओव्यूल्स होते हैं, आवृतजीवी बीजांड होते हैं, उनका चित्र कैसे बनाएं। तो ये तीन चित्र आपके फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, जो बनाने को अक्सर पूछा जाता है, ये लगातार आया। ठीक है, चौथा देखिए परागण, परागण क्या है, व्हाट इज पॉलिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था वायु परागण। ठीक है, बहुत सारे ऐसे परागण होते हैं, तो पर परागण, तो इन सब के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आगे भी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, इसको मैं पार्ट वाइज आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, पांचवा देखिए द्विनिषेचन, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि द्विनिषेचन क्या होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर से। छठवां है अनिषेक फलन। ठीक है, अनिषेक फलन क्या होता है, यानी कि अंडाशय में बिना निषेचन के ही फल का जो निर्माण हो जाता है उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन का मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जो हमारे लघु बीजाणु होते हैं पुष्पी पादपों में, जो नर युग्मक होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। आठवां है गुरु बीजाणु जनन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आठ टॉपिक आपके फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, जो आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। ठीक है, तो इतने टॉपिक तो आपको बायोलॉजी में पढ़कर ही जाना है, सबसे पहली बात। अब जो दूसरा चैप्टर हमारा है मानव जनन, देखिए चैप्टर का नाम यहां पर लिखा, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नाइन नंबर है आवर्त चक्र, मेस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट इज मेस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर अंडाणु जनन और 11 नंबर शुक्राणु जनन। ठीक है, तो अभी ऊपर हमने जो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन देखा, ये जो है जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, और ये जो यहां पर शुक्राणु जनन एंड अंडाणु जनन है, ये क्या होते हैं, ये जो मानव होते हैं, ठीक है, उनमें कैसे निर्माण होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ते हैं, समझ में आया। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे तीसरे चैप्टर से है। ठीक है, दूसरे चैप्टर में दो तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए, अब तीसरे चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है मनुष्य में यौन संबंधी रोग, यानी कि जो मनुष्य में यौन संबंधी रोग होते हैं, सेक्सुअल डिजीज, ठीक है, जैसे आपका हो गया जेनिटल हर्पीज हो गया, ठीक है, कुछ डिजीज एड्स हो गया, ठीक है, ये सब मनुष्य में यौन संबंधी रोग होते हैं, ये सब आपको बताने हैं इनके बारे में।
थर्टी नंबर है परिवार नियोजन क्या है और हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो दो टॉपिक जो है हमारे तीसरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है जनन स्वास्थ्य से, ठीक है। तो इनको आपको पढ़कर जाना है 2023 बोर्ड एग्जाम देने, और मनुष्य में जो यौन संबंधी रोग है जितने भी रोग हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है, दो टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, जो हमारा 14वां क्वेश्चन होगा 14 नंबर, ये हमारे चौथे चैप्टर से होगा, जिसका नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके पूरे बायोलॉजी का, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, ठीक है। चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है 14वां क्वेश्चन, आनुवांशिक रोग, व्हाट इज जेनेटिक्स डिजीज, ठीक है। जो आनुवांशिक रोग होते हैं, बहुत सारे आनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, बहुत सारे आनुवांशिक रोग हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। केवल आनुवांशिक रोग की परिभाषा नहीं पढ़नी है आपको, आनुवांशिक रोग और उसमें जितने भी रोग आते हैं, जितने भी डिजीज आते हैं, सबके बारे में पढ़ना है। 15 नंबर देखिए क्या है, प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होता है, ये आपको पढ़कर जाना है। एक संकर और द्विसंकर यानी कि मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसको आपको पढ़कर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। 17 नंबर अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। इसमें जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं वो तो बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 18 नंबर देखिए मेंडल का नियम, अब मेंडल का नियम इस चैप्टर में अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि मेंडल का नियम वंशागति और जैव वंशागत और विविधता के सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडल का नियम, ठीक है, मेंडल्स लॉ। 19 नंबर देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो चौथे चैप्टर में हमारे इतने टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग आज ही नोट कर लीजिए और आज ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो बिना जानकारी के पढ़ रहे हैं, वो जो मेन टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी को पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले उन टॉपिक्स को पढ़िए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा 20 नंबर, वो हमारे पांचवें चैप्टर से होगा, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार, ठीक है। इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर देखिए जीन, व्हाट इज जीन, जीन क्या होता है, ठीक है, जीन को ही आनुवंशिक, तो जीन क्या होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर है डीएनए तथा आरएनए, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया चौथा और पांचवा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए और आरएनए, व्हाट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। 22 नंबर डीएनए तथा आरएनए में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई, इसको जरूर पढ़कर जाना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, यानी कि डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर होता है। 23 नंबर टॉपिक देखिए डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, यानी कि डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल कैसा था वो आपको बताना है। देखिए मैं टॉपिक सभी बता रहा हूँ, आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आंसर मैं इसका पार्ट वाइज बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जितना आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को धीरे धीरे सभी आएगा, ठीक है। 24 नंबर है आनुवांशिक कोड्स, व्हाट इज जेनेटिक कोड, ये आपको पढ़कर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, यानी कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके फिफ्थ चैप्टर से इतने टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़कर जाना है, और ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं लघु उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय में। तो देखिए ये थे हमारे पांचवें चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब हम आते हैं अपने 6 नंबर चैप्टर पर, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों तीनों चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस इन्हीं चैप्टर से होते हैं 4, 5, 6। देखिए इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, व्हाट इज इंटरफेरॉन्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर है प्रतिरक्षा तंत्र, व्हाट इज इम्यून सिस्टम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर पढ़ना है आपको। 28 नंबर है स्टेम कोशिका क्या होती है। देखिए जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में आते हैं, ठीक है, जो 60 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे बायोलॉजी के वो मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप यही 60 टॉपिक पढ़कर बैठ जाएं, देखिए ये 60 टॉपिक आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे नंबर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको फुल में फुल मार्क्स लाना है तो और भी पढ़ने होंगे कुछ चीजें, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, ठीक है। 29 नंबर देखिए संक्रामक तथा संक्रामक रोग जो होते हैं इनके बारे में आपको बताना है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग होता क्या है, कौन कौन से रोग संक्रामक है, कौन कौन से असंक्रामक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। 30 नंबर है मलेरिया डेंगू बुखार, यानी कि मलेरिया क्या होता है, डेंगू बुखार क्या होता है, क्योंकि मानव स्वास्थ्य रोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो भी रोग है, बहुत सारे रोग है, ठीक है, तो मलेरिया डेंगू बुखार और भी बहुत सारे रोग हैं, तो उसको भी आपको पढ़ लेना है, इनके अलावा भी कुछ रोग हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 6 चैप्टर में इतने टॉपिक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
बाकी के आप लोगों को पढ़ लेना। 7 नंबर देखिए, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 2-3 टॉपिक पहले आप जान लीजिए इंपॉर्टेंट है। वाहित मल क्या है, बायोगैस क्या है एंड जैव प्रौद्योगिकी क्या है, ये तीनों टॉपिक आपको पढ़कर जाना। वाहित मल ठीक है, ये क्या होता है, बायोगैस क्या होता है, बायोगैस में सूक्ष्म जीवों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़कर जाना। ठीक है, 30 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, ये हमारे 8 चैप्टर से है। चैप्टर का नाम यहां पर दिया गया जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत हुआ प्रक्रम। ठीक है, इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला टॉपिक यानी कि 34 नंबर टॉपिक पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज क्या होता है। ठीक है, डीएनए लाइगेज क्या है और पीसीआर क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। डीएनए लाइगेज जो डीएनए के टूटे हुए खंडों को जोड़ता है। ठीक है, कुछ बहुत थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं। 35 नंबर है प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 36 नंबर है जीनी अभियांत्रिकी, ये तीन टॉपिक आपके 8 चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आ सकते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी आ सकते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि प्लाज्मिड्स पर टिप्पणी कीजिए, जीनी अभियांत्रिकी के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ लेना। 9 नंबर देखिए जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, 9th चैप्टर जो हमारा है जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है ये आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, इंसुलिन के बारे में। 38 नंबर है पारजीनी जंतु के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम आता जाएगा। 39 नंबर देखिए बायोपायरेसी क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर है क्राई प्रोटीन, तो ये 4 टॉपिक आपके 9th चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, तो इनको आपको पढ़कर जाना, इंसुलिन के बारे में, पारजीनी जंतु, बायोपायरेसी एंड क्राई प्रोटीन। ठीक है, तो ये हो गया 9th चैप्टर। चलिए 10th चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 10th चैप्टर है जिसका नाम है जीव और समष्टियां। ठीक है, इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जीव और समष्टियां, इससे जो है आपके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि लघु उत्तरीय काफी नंबर का आता है बायोलॉजी में, तो आपको लघु उत्तरीय पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देना है। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, समष्टि और समुदाय क्या होता है, ये आपको पढ़ लेना इस चैप्टर में, जीव और समष्टियां में, कि समष्टि और समुदाय क्या होता है। 42 नंबर टॉपिक्स है सहोपकारिता क्या होता है। 43 है परभक्षी। ठीक है, ये इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना, अभी मैं भी डीपली नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं कि आखिर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़कर जाने हैं। ठीक है, बाकी आगे की चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। 44 नंबर है स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 45 नंबर टॉपिक है परजीविता, इसी में सहजीविता, सहभोजिता भी आता है। ठीक है, तो इन सब पर टिप्पणी करने को आता है कि सहजीवन पर टिप्पणी कीजिए, सहभोजिता क्या है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। परभक्षी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये सब टॉपिक्स हैं जिस पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी ये पूछा जाता है, तो इसको पढ़कर जाना है। 47 नंबर है सहजीवन क्या होता है। ठीक है, 48 नंबर है अनुकूलन, 49 नंबर है मरुद्भिद और 50 नंबर है पर्यावरण, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, एनवायरमेंट, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना होता है। तो 40 जो 10 नंबर चैप्टर है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे सहोपकारिता, परभक्षी, समष्टि और समुदाय, स्पर्धा, परजीविता, सहभोजिता, सहजीवन, अनुकूलन, मरुद्भिद एंड पर्यावरण। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स को आपको पढ़ना है आपके 10th चैप्टर जीव और समष्टियां से। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम देखेंगे अपने 11th चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जो हमारा लास्ट चैप्टर है 11 नंबर चैप्टर, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 11th नंबर चैप्टर है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय में भी और बाकी सभी सेक्शंस में भी आते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, अब इस चैप्टर में नाम ही जैव विविधता है, तो जैव विविधता के बारे में तो हमें जानना ही पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो जो 51 नंबर टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जैव विविधता। देखिए इस चैप्टर से 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन 10 टॉपिक में से किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सभी को पढ़कर जाना। ठीक है, तो जैव विविधता क्या होता है। 52 नंबर है राष्ट्रीय उद्यान क्या है,
ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है। 53 नंबर है तप्त स्थल हॉट स्पॉट। व्हाट इज हॉट स्पॉट, यानी कि तप्त स्थल क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय उद्यान में आपको पढ़ना है कि आखिर कहां कहां राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको पढ़कर जाना है इस चैप्टर से, ठीक है। अब तप्त स्थल हॉट स्पॉट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाघ परियोजना के बारे में आपको जानना है, घड़ियाल परियोजना, इन सब पर टिप्पणी आती है कि बाघ परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख देना है जो इसका सही आंसर होगा वो, ठीक है। तो ये आपका होगा 55 नंबर टॉपिक। 56 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, अभयारण्य, ठीक है। अभयारण्य क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 58 नंबर है संकट ग्रस्त प्रजातियां, ठीक है, यानी कि संकट ग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं, इसको आपको पढ़कर जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 59 नंबर है वन्य जीव, वन्य जीव आपको पढ़कर जाना है। 60 नंबर है जैव विविधता के संरक्षण, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो आपको पढ़कर जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पूरे बायोलॉजी के मैंने आपको टोटल 60 टॉपिक्स बताए, ठीक है, पूरे बायोलॉजी के 60 टॉपिक्स। अगर आप इन 60 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, इनमें से एक भी मिस नहीं करेंगे, तो आपका 70 में 65 तो कहीं नहीं गया, ठीक है। तो आप लोगों को इसको पढ़ लेना है, बाकी के जो टॉपिक्स छूटते हैं उनको भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यही पढ़कर आप बैठ जाएं, क्योंकि ये अगर आप पढ़ना चाहें तो 10 दिन 15 दिन का काम है, ठीक है। इसको पढ़कर और भी टॉपिक आप पढ़िए, ताकि एक अच्छा मार्क आप अचीव कर सके। 70/70 आप प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।